चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर दोबारा से एक गवर्नमेंट जॉब लेके आए हैं, स्पोर्ट कोटे की, चीफ पोस्टमास्टर जनरल पंजाब सर्कुलर चंडीगढ़। तो ये बहुत ही अच्छा आज का नोटिफिकेशन रहेगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि जो ये नोटिफिकेशन है वो मेरे पास अभी आया है। देखिए, आज का ही सुबह सुबह मॉर्निंग का नोटिफिकेशन है, 10/7/2021 का नोटिफिकेशन है और रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट पर्सन, द पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये तीन पोस्ट जो है इसमें निकली हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो खुशखबरी की जो बात है आप लोगों के लिए, वो है कि सभी जो हैं, सारे जितने स्पोर्ट्स होते हैं जो कि स्पोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री में हैं, वही इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकता है वो बच्चे, जैसे पोस्टल असिस्टेंट, असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग, यही लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो गेम मिनिस्ट्री में है वो सारे इसमें जो है वैलिड हैं। इसका जो पे स्केल है वो क्या रहेगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अब पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिनके जो पे स्केल है वो 25,000 से 81,000 तक रहेगा। और जो रूल है 2016 का प्लस एडमिशन अलाउंस, वो वही सेम रहेगा। और जो पे स्केल है 2400 का रहेगा, जो कि सॉर्टिंग असिस्टेंट का रहेगा। मल्टीटास्किंग का जो है 18,000 से 56,000 आपका जो रहेगा, पे स्केल वही 18 का रहेगा। और एज आपकी जो है वो 18/8/2021 क्लोजिंग डेट रहेगी, जो कि आपकी जो लास्ट डेट इस फॉर्म की जो रहेगी वो 18/8/2021 रहेगी। ये आप नोट कर लीजिए, 18/8/2021 जो है इसकी लास्ट डेट होगी। और ये जो फॉर्म है ये आपको जो है ऑफलाइन भरना है, और किन किन गेमों की कितनी रिक्वायरमेंट है ये भी हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। चलते हैं थोड़ा आगे की साइड, एज लिमिट देख लेते हैं कि इसमें क्या है। पोस्टल असिस्टेंट में जो कि 18 से 27 ईयर है, 3 ईयर्स ओबीसी की छूट मिलेगी और 5 ईयर एससी और एसटी को छूट मिलेगी। अप टू 40 ईयर गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के जो भी होंगे सर्वेंट उनको भी छूट है इसमें। और मल्टी टास्किंग स्टाफ में 18 से 25 ईयर, 3 ईयर ओबीसी, 5 ईयर एससी एसटी, अप टू 35 ईयर गवर्नमेंट सर्वेंट भी इसमें जो है ये चीज़ें दे रखी है, ये छूट है। तो आप देख सकते हो सामने ही मैंने आपको दिखा दिया है। आप लोग फिर पूछते हो मैसेज करके भी सर से कि सर इसमें हमें छूट बता दीजिए, क्या इसमें छूट दे रखी है। तो आप इसमें लिखा हुआ भी है, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्म ऑफलाइन है, ये चीज़ ध्यान रखिए। जितनी भी मैंने अभी तक वीडियो बनाई है वो सब ऑनलाइन फॉर्म थे, ये ऑफलाइन फॉर्म है। तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। और आपको कहाँ पर ये भेजना है और कैसे ये भेजना है ये भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहना वीडियो को। अब चलते हैं हम आगे की साइड, आगे की साइड अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी है और कहां कहां पर है, कौन कौन से डिवीजन में है। अब बात कर लेते हैं नेम ऑफ डिवीजन यूनिट, पोस्टल असिस्टेंट अमृतसर डिवीजन में 6 वैकेंसी है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की कोई वैकेंसी नहीं है, मल्टी टास्किंग स्टाफ की 1 वैकेंसी है इसमें। अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ डिवीज़न में 8 वैकेंसी है और फिर मल्टीटास्किंग में 1 पोस्ट है, और फरीदकोट डिवीज़न में 3 पोस्ट है, गुरदासपुर डिवीज़न में 2 पोस्ट है, होशियारपुर डिवीज़न में 6 पोस्ट है, जलंधर में 7 पोस्ट है, कपूरथल डिवीज़न में 1 पोस्ट है, लुधियाना में 4 है, लुधियाना मैफिसल में 4 पोस्ट है, पोस्टल पटियाला डिवीज़न में 4 पोस्ट, पटियाला डिवीज़न में 3 पोस्ट हैं, और एलडी डिवीज़न ऑफ लुधियाना में सॉर्टिंग में 5 पोस्ट हैं, आरएमएस डिवीज़न जलंधर में 4 पोस्ट हैं सॉर्टिंग की, और इसके बाद पोस्टल अकाउंट ऑफिसर में जो मल्टीटास्किंग में है 1 पोस्ट है, और सेविंग बैंक कंट्रोल में 1 पोस्ट है। टोटल मिला के 45 वैकेंसी हैं, 9 सॉर्टिंग असिस्टेंट में है और 3 मल्टीटास्किंग में है। द चीफ मास्टर जनरल पंजाब सर्कुलर रिजर्व रिसीव द राइट टू रिसीव द कैंसिल ऑफ वैकेंसी, द पोस्ट मास्टर जनरल रिजर्व द राइट द पोस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट एनी डिवीजन यूनिट ऑफिस मेंशन अबव एनी अदर प्लेस ऑफ पंजाब सर्कुलर डिपार्ट कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। देखिए बच्चों, इसमें ये बोल रखा है कि आप अगर इस वैकेंसी को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, और इसमें जो है मेन बात यह है कि आप बाहर के कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, ये आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। तो इसमें जो है जब बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे वो भी आपको बता देंगे। अब
इसमें प्रोग्रेस ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगी, द कैंडिडेट सेलेक्टेड विद अपॉइंटमेंट विल बी प्रोबेशनल एज रूल, द ट्रेनिंग विल बी इंपार्टेड द कैंडिडेट सेलेक्टेड द प्रिस्क्राइब्ड। तो आपकी जो है इसमें जो है ट्रेनिंग भी होगी और ट्रेनिंग पीरियड भी रहेगा आपका, और बाकी जो है एजुकेशन क्वालिफाई जो है क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो कैंडिडेट हैव द पास 12 स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स फॉर रियोगजाने बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपकी जो है 12वीं होनी चाहिए और आप यूनिवर्सिटी, आप कोई सी भी एक यूनिवर्सिटी से जो है इसमें जो है आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कोई से में से भी, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो यूनिवर्सिटी, अगर ग्रेजुएशन नहीं कर रखी तो क्लास 12th आपकी जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड द सर्टिफिकेट बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, रीऑर्गेनाइज द कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिफोर द इशू अपॉइंटमेंट लेटर कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट स्टडी द सब्जेक्ट मेट्रिकुलेशन क्लास 12th हाई एजुकेशन क्वालिफाई एंड केस सेपरेट सर्टिफिकेट विल नॉट बी। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में कैंडिडेट जो है 10th का ही बच्चा इसमें चल जाएगा जिसने 10th कर रखी है, चाहे वो कहीं से हो। तो ये लिख रखा है मल्टीटास्किंग जो है। और अब जो मेन जो बात होती है, अब हमारे इसमें नोट क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन का जो ये सर्कुलर जो है जारी हुआ, इसमें डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्ड ओपन द डिस्टेंस लर्निंग मॉडल एजुकेशन यूनिवर्सिटी एक्ट पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव, मतलब आप कहीं से भी आपने अगर जो है डिस्टेंस लर्निंग मोड से भी कर रखा है तो वो भी इसमें जो है बच्चे जो है वैलिड हैं। और इसका जो आपका जो आगे की अब हम बात कर लेते हैं, स्पोर्ट एलिजिबिलिटी इसमें क्या रहेगी, स्पोर्ट पर्सन हैव द रिप्रेजेंट ऑफ द स्टेट द कंट्री इज द नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन गेम स्पोर्ट, पैरा नंबर 8 में दे रखा है कि कौन कौन से गेम है, वो भी हम आपको बताएंगे आगे। आप लोगों का क्वेश्चन बहुत होता है कि सर जो है इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, तो आप देख भी सकते हो क्योंकि आप पूरी वीडियो नहीं देखते इसलिए आपको समझ में नहीं आता। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस जो है पूरी वीडियो देखा करें बच्चों, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो स्पोर्ट पर्सन हैव द रिप्रेजेंट द यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कंडक्ट बाय द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड एनी ऑफ द गेम स्पोर्ट लिस्टेड पैरा नंबर 8। आप कहीं पर भी यूनिवर्सिटी या इंटर यूनिवर्सिटी खेले हुए हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, आप इस फॉर्म भरने के पात्र हो। सी स्पोर्ट पर्सन यू हैव रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल टीम इन द नेशनल स्पोर्ट गेम स्कूल कैंडिडेट ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ एनी गेम्स लिस्टेड बाई, जिन्होंने स्कूल गेम में अगर स्टेट में भी प्रतिभाग किया है तो वो भी जो है इस फॉर्म को भर सकता है, और जिन बच्चों ने फेडरेशन में स्टेट में पार्टिसिपेट किया है वो भी बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डी पॉइंट की, स्पोर्ट पर्सन यू हैव बीन अवार्ड द नेशनल अवार्ड द फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल, अगर आपने फिजिकल में कोई अवार्ड ले रखा है मिनिस्ट्री से तो आप जब भी इस फॉर्म को जो है भर सकते हो। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अगर स्टेट खेले हुए हो किसी भी फेडरेशन में, या नेशनल खेले हो, इंटरनेशनल खेले हुए हो, ये यूनिवर्सिटी खेले हो, इंटर यूनिवर्सिटी खेले हुए हो, तो आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हो, और स्पोर्ट्स अवार्ड आपको मिला हुआ है तो आप तब भी भर सकते हो, पर वो चीज़ें जो है मिनिस्ट्री की होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से गेम वाले बच्चे भर सकते हैं। देखिए टोटल जो मिनिस्ट्री के जो मिनिस्ट्री में है वही अब सारे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अचीवर एथलेटिक्स, हॉकी, हैंडबॉल, अटापट्टू, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बिलियन स्नोक, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग, पोलो, डेफ स्पोर्ट, इक्वेशन, फाइनेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फो, जिमनास्टिक, लगभग 64 जो है इसमें गेम है। और अब बात करते हैं हैंडबॉल, हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्किलिंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, क्विंग, खो खो, कूडो, मलकुम, मोटर स्पोर्ट, नटबॉल, पैरा स्पोर्ट, पेनस्टोल, सोलो पावर लिफ्टिंग, शूटिंग बॉल, रूल बॉल, रूल स्केटिंग। अब बात करते हैं रोइंग, रग्बी, स्पीक, सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट टेनिस, स्क्वेयर स्विमिंग, टेबल टेनिस, टैकमंडो, टेनिस किट, टेनिस, टेनिस बॉल, टग ऑफ वार, वॉलीबॉल, लिफ्टिंग, वुसो और टेनिस बॉल क्रिकेट। 64 गेम्स हैं इसमें,
64 गेम्स वाले कोई भी बच्चा जो है भर सकता है इसमें, चाहे उसने स्टेट खेल रखा हो चाहे उसने नेशनल खेल रखा हो। तो ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है रियल केस में। जो कि गवर्नमेंट ने ये वैकेंसी निकाली है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली है, सभी गेम के प्लेयरों को जो है इसमें मौका दिया गया है, चाहे वो कोई सा भी गेम हो वही इसमें जो है भर सकता है। पर ऑफलाइन मोड फॉर्म होगा आपका, वो भी मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको भरना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपने अगर कोई सा भी गेम खेल रखा है इन 64 गेम में से, 64 गेमों में से एक भी कोई सा गेम खेल रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ये चीज आप ध्यान रखें। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, और कैंडिडेट हु कैन नॉट प्रोड्यूस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लिस्ट वन सर्टिफिकेट इशू बाय वन अथॉरिटी मेंशन हेयर अंडर द एप्लीकेशन नोट नीड नॉट अप्लाई। आपका जो सर्टिफिकेट है, जो आप जो फॉर्म भरोगे वो जो है अटेस्टेड भी होने चाहिए, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। और क्योंकि अटेस्टेड करके ही जो है गवर्नमेंट में जो है वैल्यू होते हैं, तो आप जो है अपने जो जो फॉर्म भरोगे वो अटेस्टेड करवा लेना किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से, जो भी आसपास में होगा उससे जो है आप अटेस्टेड करवा लेना। और अब बात कर लेते हैं अथॉरिटी ऑफ अवार्डिंग सर्टिफिकेट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम, नेशनल कॉम्पिटिशन सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट असिस्टेंट गेम इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, डीन ऑफ द स्पोर्ट ओवरऑल चार्ज स्पोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट गेम ऑफ स्कूल डायरेक्ट एडिशनल ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर ओवर चार्ज स्पोर्ट गेम। तो आप फिजिकल एफिशिएंसी में भी सेक्रेटरी ऑफ अफेयर चार्ज ऑफ द फिजिकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो सीधे सीधे इन्होंने बोल रखा है अगर आप यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंट करते हो इंटर यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर जो है डीन स्पोर्ट के जो है इसमें जो है सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अगर नेशनल कॉम्पिटिशन में करते हो तो वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनका होगा, अगर स्टेट में करते हो तो स्टेट के जो सेक्रेटरी है वो इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन इज द कैंडिडेट विल बी मेड द एजुकेशनल स्पोर्ट क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट फुल फाइन। तो आपको बता दिया गया है कि सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हमने आपको बता दी हैं, और अगर आपको इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। टेलीग्राम जो है मेरा सेम चैनल के नाम से है, तो आप वहाँ पर जाकर मेरे को मैसेज भेज सकते हो, मैं आपको ये पूरी जो है PDF जो है प्रोवाइड करा दूंगा। पर वीडियो आप आखिरी तक देखना, फिर अगर आपको समझ में नहीं आता फिर आप पूछते हो। तो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल गेम ओलंपिक एसोसिएशन विन द मेडल थर्ड प्लेस बिटवीन द पार्टिसिपेट सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। तो ये चीज़ें सारी इन्होंने जो है मेंशन कर रखी है कि क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट हैव रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल नेशनल स्पोर्ट गेम ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन मेडल पोजिशन थर्ड प्लेस। तो ये चीज़ें जो है सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है, तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे की साइड, अब आपको इसमें हम बताएंगे कि आपको और क्या करना है, मेन जो है आपको ये कहाँ पर भेजना है। सबसे बड़ी बात जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, द कैंडिडेट शुड बी फिल अप द फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको वन कंटेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट करके जो भेजना है आपको, वो कहाँ पर भेजना है और कैसे भेजना है। आपका जो फॉर्म है वो स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री पोस्ट ओनली, इन्होंने साफ लिख रखा है, या तो आप स्पीड पोस्ट भेजोगे या आप रजिस्ट्री पोस्ट भेजोगे, इसके अलावा कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे थ्रू द मीन्स प्राइवेट अंडर द पोस्ट गिव इन द हैंड सेल नोट बी एक्सेप्टेड, मतलब अगर आप हाथ से भी जाकर दोगे वहां पर तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अगर आप कोरियर से दोगे तब भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। साफ साफ लिख रखा है पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट यही चलेगा, या स्पीड पोस्ट, ये दो ही आपके चलेंगे, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट। एप्लीकेशन विदाउट फीस लेवल बी रिजेक्ट, आपको जो है जो यहाँ पर जो फीस है वो भी जमा करनी पड़ेगी, और उसके अलावा बिल्कुल भी आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं माना जाएगा। और उसमें क्या है कि चलान है वो भी मैं आपको, जब आप मेरे को टेलीग्राम पर जब फॉलो करोगे तो मैं आपको वहाँ पर PDF दे दूंगा, और आप वहाँ पर जाकर जो है चलान अपना निकलवा सकते हो, फॉर्म जो है भर सकते हो। एप्लीकेशन रिसीव विदाउट प्रूफ डेट ऑफ बर्थ रिजेक्टेड, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होनी चाहिए। अब देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑल डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने बोला है, देखिए मैंने आपको पहले बोल दिया, इन्होंने अब बोला है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑल डॉक्यूमेंट्स डेट ऑफ बर्थ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बेस्ट परफॉर्मेंस प्रूफ कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी, ये सारी चीज ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड बी नॉट बी सबमिट। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोई नहीं करना है, सिर्फ फोटोकॉपी करनी है, और फोटोकॉपी जो करनी है वो अटेस्टेड करवानी है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से, जो कि अभी करंट में जो है गवर्नमेंट ऑफिस
ऑफिसर होगा उससे आप करा सकते हो। सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी फॉर इशू फ्रॉम द कंप्लीट अथॉरिटी बाय समिटिक, तो ये सीधे लिख रखा है इन्होंने, जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी है, इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखें। और सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज, आपका जो फोटो है वो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए और जो है वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आप जो है उसको भी सेल्फ अटेस्टेड अपने आप भी कर लें, ठीक है, आपके साइन होने चाहिए वहाँ पर, ये सारी चीज़ें दे रखी है। पेमेंट क्या रहेगा आपका, पेमेंट ऑफ फीस कैंडिडेट 100 रुपीज़ ओनली, आपको जो है 100 रुपीज़ इसमें जो है सबमिट करनी है। और चलान फॉर्म अवेलेबल, और जो आपका जो चलान है नेम वो क्या रहेगा, SPMG पंजाब सर्कल, तो ये आपका जो है चलान इस नाम से बनेगा आपका, तो इन्होंने लिख भी रखा है SPM पंजाब सर्कुलर। तो चलान नोटिफिकेशन डाउनलोड फिल बाय द कंप्लीट वन कॉपी चलान कैंडिडेट गैप द PM पंजाब सर्कुलर चंडीगढ़ कॉपी। तो वैसे मैंने फॉर्म के अंदर जो है इसमें PDF में भी है, तो जैसे आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करोगे तो मैं आपको सेम चैनल के नाम से, तो वहाँ पर आपको पूरी PDF दे दूंगा, फॉर्म दे दूंगा कि क्या क्या भरना है और क्या क्या आपको इसमें करना है, ठीक है। तो आपको जो है ये चलान जो है पोस्ट ऑफिस में ही जाकर जो है आपको भरना है। हाउ टू अप्लाई द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट सबमिट द एप्लीकेशन ओनली द फॉर्मेट, और आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और इसमें जहां आपको भेजना है एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट अंडर द स्पोर्ट कोटा पंजाब सर्कुलर, ये आपको भी लिखना है, और बाहर ये लिखना है असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टल सर्विस रिक्वायरमेंट ऑफिसर चीफ पोस्टमास्टर जनरल पंजाब सर्कुलर सेक्टर 7 सदस्य भवन चंडीगढ़, ये आपको लिखना है पूरा। स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री पोस्ट ही इसमें आपको भेजना है, इसके अलावा किसी चीज़ से भी आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड अगर आपको वेबसाइट से करनी है तो पंजाब सर्कुलर गवर्नमेंट .in है, ये मैं लिंक आपको नीचे जो है वीडियो के नीचे भी दे दूंगा। और अदरवाइज अगर आप मेरे को जो है टेलीग्राम पर फॉलो करोगे तो मैं आपको PDF जो है टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम से मेरे से पूछ सकते हो। दोस्तों ऐसी ही वीडियो समय समय पर हम लेते रहेंगे, स्पोर्ट्स की लाते रहेंगे आपके लिए।